नाम क्या है? नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा और इस खास मुलाकात में हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। आप अपनी सक्रियता के लिए जानी जाती हैं और लगातार आप अपनी भूमिका को बहुत सक्रियता से निभा रही हैं। ये कोरोना का संकट चल रहा है और छत्तीसगढ़ उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आज जैसा हम सभी ने देखा, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधित किया और उन्होंने 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया है। आपकी इस बीच में अलग अलग लोगों से बात हो रही है, आपने राज्य के जो मुख्य सचिव हैं उनके साथ आपने एक बड़ी चर्चा भी की, जिसमें राज्य के अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी थे। इसके अलावा आपकी कोरबा कलेक्टर से चर्चा हो रही है, आपके एम्स के निदेशक से चर्चा हो रही है, आपकी राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, सभी के साथ चर्चा हुई है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में चूँकि राज्यपाल का एक अलग रोल, मुख्यमंत्री जी मैं ये जानना चाहूँगा कि चूँकि आप संवैधानिक प्रमुख हैं, तो आप अपने इस संकट में आप अपनी भूमिका को किस तरह से देखती हैं और किस तरह से आप उसको क्रियान्वित कर रही हैं या उसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। देखिए, ये संकट के समय में हम सब की भी जिम्मेदारी बहुत आवश्यक है, और ऐसे समय हम सब लोग मिलकर इस कोरोना वायरस से बचाव के लिए लड़ रहे हैं, और जिसमें प्रशासन, शासन और पूरा मंत्रिमंडल, मीडिया, डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस, समाज सेवी संस्थाएं और प्रदेश की जनता भी इसकी भागीदारी है, जो इस तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की अपील की है, उसका प्रदेश ने और नागरिकों ने भी उस अपील का पूरा सहयोग दिया है। और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के बारे में, ये हमें शुरू से ही हमारी प्रशासनिक तैयारी रही है, और इसमें हमारे मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, सभी मंत्रिमंडल के सदस्य और विपक्ष के भी लोग, सभी लोग और प्रशासनिक अधिकारियों से सारे लोगों ने समय पर इस संबंध में अच्छी तैयारी कर ली थी, और यहाँ के डॉक्टर भी बहुत ही सूझबूझ के साथ इन्होंने जो पॉजिटिव आए थे उनका इलाज किया, और जिसमें शुरुआती दौर से ही ये सारे लोग उसमें तत्परता से लग गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि 11 में से 10 जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया वो ठीक हो गए। ये बहुत बड़ी कामयाबी हमारे डॉक्टर टीम की रही है, मैंने उन्हें भी बधाई दी कि, और ये हमारे प्रदेश में आज तक एक भी मृत्यु नहीं हुई है। और मैं तो ऐसे समय प्रदेश के सभी इस कार्य में लगे हुए सभी प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और डॉक्टर्स, इंजीनियर, आपके सफाई कर्मचारी, पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी, मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर और सभी मंत्रिमंडल के, और हमारे सारे विपक्ष जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उन सभी पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, और उन सब का इस प्रदेश में कोरोना वायरस रोकने में एक अच्छी भूमिका वो निभा रहे हैं, उन्हें सबको मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ। मैडम, आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि आप संवैधानिक प्रमुख हैं तो आप सब चीज़ें देख रही हैं, लेकिन दो चीज़ें जो आपसे सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं, एक तो रेड क्रॉस सोसाइटी और दूसरा जो आपका रेड क्रॉस सोसाइटी के अलावा भी जिस तरह से कुलपति लोग हैं और जो शैक्षणिक स्तर के लोग हैं, खासतौर पर उच्च शिक्षा की बात करूँगा तो जो शैक्षणिक परिसर हैं वहाँ पर क्या स्थिति है, उन लोगों से आपकी बात हुई है क्या, राज जितने कुलपति हैं उनसे बात हुई है कि आपकी
इसके अलावा जो रेड क्रॉस सोसाइटी को उसको आपने किस तरह से मोबिलाइज किया है, क्या आपके पास इनपुट है? हाँ, इसके लिए हमने रेड क्रॉस सोसाइटी को ये निर्देश दिया है कि वो सभी जगह अपने मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए जो भी है दवाई और निःशुल्क उनको भोजन की व्यवस्था कराए। और मैंने भी 25 लाख रुपए जो है उन पिछड़े जिले हैं जो बहुत ही गरीब हैं, जहाँ ज़रूरतमंद की बहुत आवश्यकता है, ऐसे ज़िलों में खर्च करने के लिए हमने 25 लाख रुपए रेड क्रॉस सोसाइटी से दिया है। और साथ में हमारे 5000 ऐसे वॉलंटियर हैं पूरे प्रदेश में रेड क्रॉस सोसाइटी के, उन सबको हमने दिशा निर्देश करके और सारे लोग वहाँ अपने अपने ज़िलों में ये सारे लोग मिलकर कलेक्टर के साथ कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ ही विश्वविद्यालय के मैंने कुलपतियों को भी पत्र लिखकर और उनसे भी चर्चा किया है, और उन वो लोग भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के जरिए, और सारे जो महाविद्यालय के स्टूडेंट हैं उनको भी निर्देश दें और कहा कि वो भी इस कार्य के लिए NSS और आपका NCC और इसके माध्यम से भी वो और गरीबों की सेवा करें और उनको जागरूक करें। इसके लिए मैंने सभी कुलपतियों को निर्देश दिया है और उसकी फीडबैक मुझे मिल गई है, और काफ़ी वो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सभी छात्रों से संपर्क संबंध में है, और उसका उन्होंने पूरा लेखा जोखा भी मुझे इसकी जानकारी भी भिजवाई है। तो ये अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपकी कोरबा कलेक्टर से भी बात हुई, जैसे प्रदेश में इस समय सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है कटघोरा, और वहाँ पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं, तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग उसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, और उसके अलावा जो वहाँ पर धार्मिक रस्में हुई या जो वहाँ पर जनाजा निकला उसमें भी लोग शामिल थे, उसके कारण एक कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं बोलूँगा लेकिन वो एक वर्ग विशेष में तो वो उसका फैलाव देखा गया, जिसके कारण राज्य सरकार के लिए भी चिंता का विषय। तो आपकी क्या बात हुई है कोरबा कलेक्टर से, वहाँ क्या स्थिति है, और कब तक ऐसा आपको लगता है कि ये उस पर जो नियंत्रण जैसी स्थिति कब तक आ सकती है? मैंने कोरबा कलेक्टर से बात किया और पूरी जानकारी लिया कि ये किस तरह से ये पॉजिटिव पाए गए और क्या वजह थी। आपको ये पहले से जानकारी थी क्या, जो बाहर से लोग आए हुए थे? तो उन्होंने बताया कि जानकारी तो थी और उनको समझाइश भी दी गई और उनको कहा गया कि आप लोग अपने अपने घर में रहें, और वो लोग अपने अपने घर में तो रह रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं वहाँ पर। तो तब इसकी जानकारी हुई, तो फिर उन्होंने जांच के लिए ये पूरी टीम भिजवाई, वहाँ पर उनके सैंपल लिए गए, और तब पता लगा कि क्योंकि वो लोग सब अपने ये एक ही परिवार और उनके ही एक ही परिवार के लोग हैं, जितने भी जो लोग पाए गए हैं उनके रिलेटिव हैं आपस में एक दूसरे के लिए। और फिर इसके बाद तो पूरा प्रशासन के द्वारा तत्परता बरती गई है और वहाँ पर काफ़ी कड़ाई से पालन इसका किया जा रहा है, और जितने भी कटघोरा के जो लोग हैं सबका भी सैंपल लिया गया है, और उसमें जानकारी अभी काफ़ी निगेटिव आई है, कुछ सैंपल अभी बाकी है। तो अभी कुल मिला के हमारे प्रदेश में जो कि 21 लोग अभी इसके लिए इलाज के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं, 31 टोटल 31 हुए हैं। तो ये तबलीगी जमाती लोग के द्वारा ये हुआ है। मेरा भी उन तबीली जमाती लोगों से अपील है, भाई बहनों से, कि वो अगर कोई बाहर से आए अपने रिश्तेदार या किसी भी तरह का, वो बाहर आकर इसकी जांच कराएं, टेस्ट कराएं, क्योंकि ये ऐसा संक्रामक है कि इसका कोई इलाज नहीं है, और ये अपने आप को तो खतरे में डाल रहे हैं
लेकिन अपने परिवार को, अपने समाज को और प्रदेशवासियों के लिए, और इसीलिए अपनी जान को बचाना है तो ज़रूर टेस्टिंग कराए, और जैसा भी गाइडलाइन जो है प्रशासन शासन की उसका पालन करें वो। मैडम, एक आपने एक मीटिंग ली राजभवन में जिसमें सीएस और सेक्रेटरीज और प्रशासनिक अधिकारी भी थे, उस मीटिंग को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि क्या ऐसे समय में ऐसी मीटिंग ली जा सकती है या आप ऐसी मीटिंग को चेयर कर सकती हैं, उस बारे में जानना चाहूँगा क्योंकि उस बात को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी, तो आप यदि स्थिति को स्पष्ट करेंगे। देखिए, ये तो मैंने इसलिए नहीं, ये जो मीटिंग ली थी मैंने कोरोना के संबंध में ही लिया था कि अभी तक प्रदेश के लिए आप लोगों के द्वारा क्या क्या तैयारी की गई है और इस संबंध में मुझे भी फीडबैक चाहिए। तो ये तो एक प्रकार से मेरी जिम्मेदारी होती कि प्रदेश में आज जो श्रमिक लोग हैं, मजदूर लोग हैं, आज जो बाहर गए हुए हैं और जो लोग यहाँ हैं, उन गरीबों की क्या व्यवस्था की गई है, प्रशासन स्तर पर हॉस्पिटल में क्या क्या ऐसी कमियाँ हैं जो कि हम सेंटर गवर्नमेंट से भी बात की जा सकती है, मैं भी बात कर सकती हूँ, मुझे राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि कोई अगर दिक्कत होगी तो आप हमें बताइए और हेल्थ मिनिस्टर को भी बताइए। तो इसी उद्देश्य को लेकर, क्योंकि इसके पीछे मकसद मेरा, आपका, सभी का, आज इस समय इस संक्रमण से कैसे बचा जा सके, तो यही उद्देश्य को लेकर इस पे तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। मैं तो चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी को भी मैं बुलाकर और ये सारी जानकारी ले सकती हूँ कि प्रदेश में अभी तक क्या क्या तैयारी है। ये मेरा कर्तव्य है, फर्ज है कि ये तमाम सारी सुविधा हो, कोई भी गरीब भूखा ना रहे और सभी का जो है समय पर और टेस्टिंग भी हो जाए, कोई हमारे प्रदेश में इस तरह के पॉजिटिव मतलब व्यक्तियों के ऊपर रिपोर्ट ना आए। तो ये सब चीज़ों के लिए ही मैंने बुलाया था, तो इसके पीछे कोई ऐसा इंटेंशन मेरा नहीं था जो इसमें कोई ऐसी बात हो जो कंट्रोवर्सी बने। ये जो इतना लंबा पीरियड अभी लॉकडाउन का गया है, इस बीच में आपकी सीएम साहब से कोई बात हुई क्या, फ़ोन पे बात हुई या कोई चर्चा हुई? हाँ बिल्कुल, बात हुई थी मेरी सीएम साहब से और मैंने कहा भी और उनको पहले भी पूर्व में भी पत्र लिखकर भी ये तमाम सारी चीज़ों की जानकारी के तौर पर मैंने उनको कहा था कि ये सावधानी के तौर पर आप भी अपील करें और साथ में आपके द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं उससे भी मुझे अवगत कराते रहिए। और उन्होंने भी कहा कि निश्चित रूप से, अगर उनका भी मुझे पत्र भी मिला था, मेरी टेलीफोन से भी बात हुई और मैंने विशेष तौर पर कहा कि जो तबलीगी जमाती लोग जो हैं, जो छुपे हुए हैं, इसकी बारीकी से जांच करें और जो जानबूझकर अगर छुपे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई करें ताकि इस तरह से हम अपने प्रदेश को इन लोगों से बचाए जा सकते हैं। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि नहीं, मैं इस संबंध में पूरी तरह से और कार्रवाई भी कर रहा हूँ और मैंने कुछ लोगों के ऊपर FIR भी करने का निर्देश दिया है, यहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर FIR भी हुई है। तो ये एक दूसरे का हमारा समन्वय कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से, हम लोग इस बीमारी से लोगों से बचाने के लिए हम लोग सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और यही वजह है कि आज हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक भी मृत्यु नहीं हुई है, वो भी एक ही व्यक्ति बचा था, लेकिन ये कोरबा में जो घटना हुई और इसी से ही ये जो आज 21 लोग पॉजिटिव के रूप में इलाज के लिए हैं, ये एक प्रकार से दुखद है। और मुझे लगता है, वैसे फिर भी वो लोग के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि हमारे यहाँ के डॉक्टर लोग इतने अच्छे हैं कि उनकी सूझबूझ से वो भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है उनके लिए। मैडम, जो आज प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है, इसको आप किस तरह से देखती हैं, एक संक्षिप्त आपका रिप्लाई चाहूँगा।
सबसे पहले तो माननीय में प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया है और जहाँ स्थिति अच्छी हो जाएगी उन प्रदेशों का मूल्यांकन के बाद 20 तारीख को उन जिलों में और उन प्रदेशों में इसको कुछ कंसीडर करने की बात की है। और वैसे भी मैंने पूर्व में भी कहा था कि इस समय लॉकडाउन बढ़ाना, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन था कि इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आज पूरे देश में 9000 के ऊपर ये मतलब केस पहुंच गए हैं, और जब लॉकडाउन था तो इतनी बड़ी संख्या नहीं थी, करीब 500 के लगभग रही होगी। और वैसे ही आप देखिएगा, मध्य प्रदेश देखिए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमाम जगह जब से ये तब्दीली जमादी के लोग बाहर आए हैं तब से ये इस तरह की संख्या बढ़ी है। और मैं समझती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन करने की जो घोषणा की है वो ये अपने आप में बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बीमारी अन्य देशों में जिस तरीके से फैली है, आज हमारा देश बहुत अच्छा है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद भी आज हमारी मरने वालों की संख्या भी बहुत कम है, करीब 300-350 के लगभग है, और करीब 9000 के लगभग इतनी 135 करोड़ जनसंख्या के आधार पर ये बहुत कंट्रोल में है। और आगे भी शीघ्र ही हमारे देश में ये संक्रामक रोग से बचाया जा सकता है, और पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी इस देश के जनता को सुरक्षित और उसको कैसे इससे बचाया जाए पूरी गंभीरता के साथ, और जनता का भी उन्होंने नमन किया है कि जो सहयोग उन्हें मिला है इस कार्य के लिए, बगैर उनके देश की जनता के सहयोग के बगैर ये इतनी संक्रामक बीमारी को फैलने से हम नहीं बचा सकते थे, ये पूरे देश की जनता को उन्होंने नमन किया है इस सहयोग के लिए। मैडम, कार्यक्रम के अंत में जरूर चाहूंगा कि आप राज्य की जनता के नाम एक संदेश दें। मैं प्रदेश की जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन की घोषणा की है उसका पालन करें और घर पे ही रहें, और बहुत आवश्यक अगर हो तो ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका आज तक कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है बनी है और ना ही दवा है। और ये व्यक्ति अगर हम ये इसका एक ही उपाय है कि हम लॉकडाउन के माध्यम से घर पर ही रहना इसका सबसे बड़ा उपाय है, और इसलिए हम घर में भी हमारे बच्चों को भी एक अच्छी शिक्षा दें, उनको सावधानी रखें, और साथ में घर में साफ सफाई और जो भी ऐसे निर्देश मिले हैं इसकी सावधानी के उसका पालन करें। और साथ में प्रधानमंत्री जी ने जो 7 प्रकार की जो अपील की है कि किस तरह से घर पर रहकर और अपने बुजुर्गों की भी देखरेख करें, साथ में आयुष विभाग के द्वारा जो उन्होंने कहा है कि एक काढ़ा है आयुर्वेदी का और गर्म पानी पिए, मास्क लगाएं जो अपने घर में ही बना हुआ हो, और इस तरह से पूरा अपना ख्याल रखें, यही मेरी अपील है, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, वरना ये सब कुछ कोई मायने नहीं रह जाता। इसलिए इस समय पूरी दुनिया जो इस संक्रामक से गुजर रही है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज हजारों की संख्या में वहां लोगों की प्रतिदिन मौत हो रही है, और ये बहुत भयानक बीमारी है, और इसीलिए
हम बहुत सुरक्षित हैं हमारे इस देश में, और ये तब हुआ है इस देश के सक्षम नेतृत्व, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, समय रहते हुए ये लॉकडाउन नहीं किए होते तो ये बहुत भयंकर रूप से ये बीमारी पूरे देश में फैल सकती थी। लेकिन हम सब के प्रयास से ये बीमारी को हमने रोकने में बहुत सफलता प्राप्त की है, और शीघ्र ही इसमें सफलता मिल जाएगी, ऐसा हम सबको विश्वास है। मैडम, आईबीसी 24 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भूल पे जब थाप हो तो यारों की बारात हो।